सर बताया जाए स्कूल खोलने का जो आप लोगों ने मीटिंग किया था, क्या निर्णय लिया उसके बाद स्कूल 1 फरवरी से जो खोलने की बात किया गया था, क्या हुआ? स्कूल खोलने के लिए हम लोगों ने पटना में पहले तो मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत हुई थी, साथ साथ नेशनल मीट में ये स्पष्ट किया गया था कि 1 फरवरी से प्राइवेट स्कूल खुलेंगे। बट हमारे जो भी लीडर हैं इस्माइल अहमद सर, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया था और हम लोग भी धीरे धीरे स्कूल को खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि कोरोना अभी भी डर लोगों को बना हुआ है, पेरेंट्स पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स ज़्यादा अगर चाहें तो निश्चित रूप से भेजना शुरू करें, तो हम लोग खोलने को तैयार हैं। ऐसा नहीं, हम लोग स्कूल को अभी धीरे धीरे फेज वाइज 6 to 8 जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया है उस तरह से हम लोगों ने खोला है, और निश्चित रूप से आगे भी अगर गवर्नमेंट से हम तो मांग कर ही रहे हैं कि पूरी तरह से खुलना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो बिहार में है स्तर वो बहुत कम है। अभी जो कोरोना की जितनी वैक्सीन आई है वो बच्चों के लिए स्पेशली आई नहीं है, इस वजह से पेरेंट्स डर रहे हैं। लेकिन कोरोना है नहीं, इसका स्पष्ट उदाहरण है चुनाव, जो विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद आज जो सभी सेक्टर के चीज़ें खुली हुई हैं, रेलवे भी लगभग खुल गया है, आज न्यूज़पेपर में भी रेल को स्टार्ट किया जा रहा है, 21 रेलों का फिर से परिचालन शुरू किया जा रहा है। बताइए कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है ऑनलाइन शिक्षा का? ऑनलाइन शिक्षा से कभी भी मानसिक विकास नहीं हो सकता है, बच्चों का मानसिक विकास रुक रहा है। बच्चे सबसे पहले ऑनलाइन से जितने भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, आँखों की, मस्तिष्क की बीमारियाँ, ये सब बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आप जाएंगे तो मोस्टली बच्चों में ये बीमारियाँ आ रही हैं, बाल तक झड़ने लग रहे हैं। पिछली मीटिंग में डीआईजी साहब ने कहा था कि हमारे भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमने कई तरह के कनेक्शन लिए हुए हैं ऑनलाइन के, और उन्होंने भी कहा था कि हमारे बच्चों का बाल झड़ने लगा और बाल गिरने लगा, तो डॉक्टर ने ये सलाह दी थी कि ऑनलाइन शिक्षा आप अभी मत दीजिए, बच्चों को रेस्ट दीजिए। और मैं यही कह रहा हूँ, क्या अपील करेंगे जिस तरीके से सब कुछ खुल चुका है, एजुकेशन सिस्टम जो है कोलैप्स कर रहा है, बच्चे काफ़ी मोबाइल के चक्कर में दिन भर गेम देखते हैं, अभिभावकों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि अब तक अभिभावक का खुल के सामने नहीं आया शिक्षा के प्रति? हाँ देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि अभिभावक के नहीं सामने आने की वजह से ही आज जो है ऑनलाइन को बढ़ावा मिला है। ऑनलाइन से अभिभावक परेशान हैं लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अभिभावक को उस तरह की सुविधा मिल नहीं रही है, फिर भी उनको डर बना है इसलिए वो लोग नहीं भेज रहे हैं। पहले तो सरकार, जो हमारी भारत सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने वैक्सीन लाई भी है तो बच्चों को पहले दी जानी चाहिए थी, सबसे पहले बच्चों को दी जानी चाहिए थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व पढ़ाई रखता है बच्चों के लिए, और पढ़ाई न होना ये बहुत बड़ा एक कमी है भारत देश की, पूरे देश की। और मैं अभिभावक से अपील करूँगा कि आप डरे नहीं, कोरोना हम लोगों को कभी भी जो है इस तरह का अटैक अभी तक नहीं किया, जब से स्कूल 9th 10th के खुले हैं तब से किसी तरह का कंप्लेन नहीं आया है। आप धीरे धीरे अपने बच्चों को भेजें और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे स्कूल को खोलकर आपके बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराएं, जितना जल्द से जल्द हो सके कंप्लीट कराएं। मैं कह रहा हूं कि जितनी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो एजुकेशन हो रही है, बैजूज हो गया या फिर वाइट हैट जूनियर है, वो धीरे धीरे जितने भी स्टूडेंट उसका लाभ ले रहे हैं उनको कोई खास विकास नहीं हो रहा है। अब वो लोग भी ऑफलाइन में आने जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ा हुआ है वाइट हैट जूनियर जो कि DPS के साथ कोलेबरेशन है, आरा में हमारा उनका कोलेबरेशन है, साथ ही साथ उन्होंने भी स्कूल में अब फैसिलिटी देने के लिए अपने टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्कूल में ऑफलाइन में देंगे, अब ऑनलाइन धीरे धीरे ख़त्म हो करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन से उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, और निश्चित रूप से बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं तो उनको भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, जो कि ऑफलाइन में जितनी अच्छी सीख पाएंगे वो ऑनलाइन नहीं सीख पा रहे हैं।